मैम यहाँ पे, 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 दोनों मैम आपके सामने, यहाँ पे, यहाँ पे, मैम लुक है नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरेदी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नई नया अवसर है. मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया है. सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज कैरेक्टर नहीं किया है. पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो. वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं. सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. या आई एम इनफैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी. ये गाली देती हुई और आई थिंक ये आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बींग एन आर्टिस्ट. तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है. आई वुड बी अ टीचर. I love working with children. मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते. सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड. सर nowadays we can see when we talk about the social networking side, so now we can see Swara knows it very well to how to handle trolling and everything. So वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप. रिसेंटली आपके पोस्ट में रिसेंटली आपने एक रोल को हैंडल आउट किया था व्हेन पीपल कंपैरिजन यू एंड दैट निर्मा. नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम. मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं. सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा. इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस. किशन जी आप सवाल पूछ लो एक मिनट उनको. हाँ नहीं नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार. धरना, ही स्टार्टेड धरना जे साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो. से नो ट्रोलिंग वाली आस्क मी अबाउट स्वरा. मुझे मतलब
नहीं वो कहानी ऐसी, आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, आप बहुत ही नहीं, इट्स अ फ्रेश स्टोरी, ऐसी ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले. एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनु एड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से. तो आई बट एंड साक्षी कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा, मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है, तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी, तो वो मेरे लिए चैलेंज था. वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है. आई थिंक हर फिल्म के पहले, आई मीन अभी एक हफ्ता, आई थिंक एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म, आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं साजिश ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा, पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी. पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, होपफुली पीपल लाइक इट. एक साथ हो गया. हाँ जी आई थिंक एक कलोक्वियल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं या यू नो लड़के या लड़कियां जो भी हमारे यू नो करीबी दोस्त हैं, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा हुहा नहीं बनाना चाहिए, एक लोकल वे ऑफ टॉकिंग है. ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ एंड ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था, पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन यू नो थिंग्स. ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू नो यू वांट टू डू योर बेस्ट. सोनम वीडियो वेडिंग में काफ़ी कुछ देखने नजर आता है, फिर वेदर इट इज सॉन्ग फैशन एवरीथिंग इज देयर. हां जी. सो हाउ प्रेशर इट इज फॉर यू बी यू नो पुटिंग दिस रोल ऑन समथिंग. आई थिंक प्रेशर नहीं होता, आई थिंक हर फिल्म में जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है, और अगर मैं प्रेशर लेती कि यू नो मुझे क्या करना है, मैं फिर मैं काम नहीं कर पाती. आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू नो यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ यू नो चैलेंजेस आते रहेंगी, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं एक्टर नहीं होती, मैं फिल्म से जुड़ी रहती, मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती या मुझे एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया आल्सो, लाइक दैट्स व्हाई आई लाइक जर्नलिस्ट सो मच. आई थिंक द पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, यू नो आप ओपिनियंस बना सकते हैं लोगों के, यू नो यू कैन रियली शेप ओपिनियंस एंड शेप द वे पीपल थिंक. बट मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर, आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना. आई थिंक सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है. शूटिंग में कभी कोई मतलब यू नॉट पुट इन द स्पॉट, यू नॉट आस्ड पर्सनल क्वेश्चन, यू नॉट आस्ड अबाउट योर सेल्फ, सो आई थिंक इट्स नाइस. आई थिंक हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चंस पूछा है तो आई वुड से आई वुड लाइक ऋतिक टू प्ले माय रोल. सोनम भावेश जोशी इज आल्सो बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ समटाइम्स स्टीरियोटाइप्स वुमेन्स रोल.
every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, you know, break the glass ceiling in some way. And Riya and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. So now Bhavesh Joshi is also releasing on the same day. Yeah. So like, you want to say anything to him? Congratulations to Harsh that his second film is releasing, and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? Or no, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. ये फिल्म बहुत ही मेमोरेबल रहेगा क्योंकि ये फिल्म जो थी ये यू नो फॉर अनदर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टू से ओके टू डू दिस फिल्म आई थिंक ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए. अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी. हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं. यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वुमेन गोज अवे. तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन. स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया. हम धीरे धीरे वेडिंग के लिए बात करें, मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं. उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है और हम वीव एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज. नहीं, मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को, बट देखें. अवनी शर्मा एक लॉयर है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है. और अगर आपको और कुछ जानना है अवनी शर्मा के बारे में तो आप प्लीज़ बीरी वेडिंग 1 जून को देखिए. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है. तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट. तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और धीरे धीरे वेडिंग देखेंगे. Every day there was something or the other. That was just amazing. All of us, Kareena's damn entertaining. Swara's life is very entertaining. And Sonam and I just laugh. What is the funniest moment? Sorry? What is the funniest moment? As I said earlier, na, ki har din kuch na kuch chal raha tha, which was really funny. I think there was a time when एक सीन था जहाँ स्वरा को शी हैड टू जस्ट जंप डाउन फ्रॉम अ गेट एंड देन वॉक बिहाइंड अस. और वो बहुत ही बड़े हील्स में थी और अनफॉर्चुनेटली उस मेथड में वो उसका फुट थोड़ा ट्विस्ट होकर वो गिर गई. एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आई ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है. सो आई वॉज या ऑल ऑफ देम. या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है. सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है. वी वर देयर फॉर अ वीक सो वी हैड वेरी लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर फुकेट. बट वी हैड अगेन एज आई सेड व्हेन यू आर वर्किंग विद वुमेन एंड मेन हु यू हैव सो मच फन विद एंड यू हैव सो मच फन कोलैबोरेटिंग विद. It's a joy. So it was great fun. Shikha ji, Modi sarkar 4 saal poore kar rahi hai. So just look at the 4 saal.
हाँ लेट द फिफ्थ ईयर फिनिश एंड देन लेट्स टॉक ओके. लोगों का ऐसा कहना है कि ये मूवी बहुत ही ट्रेंड सेट करने वाली है, काफ़ी डिफरेंट है और बेंचमार्क सेट करने वाली है, तो आप बताइए आपके लिए ये कितना डिफरेंट होने वाला है ये फिल्म वीर की रेडी. फॉर मी ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेंचमार्क फिल्म है और ये ट्रेंड सेट करने वाली है, और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए. अलग सवाल दे रही नहीं, मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल है. ये फिल्म चार दोस्तों के बारे में है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में. सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स, सो आई थिंक एवरीबडी इज रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म. सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. आई एम नॉट अ मदर, आई हैवंट एलोप्ड एंड गॉटन मैरिड. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मजा लेती है, यू नो शी रियली इन्जॉयज हर लाइफ एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू हो आई होप दैट आई थिंक आई ट्राई टू डू दैट विद माई लाइफ एंड शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड फियर्सली लॉयल टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स. दैट आई कैन कम्प्लीटली टेक इट दैट मीरा एंड मी दैट इज सेम. अच्छी फिल्में कर रही हैं तो थैंक्स. ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है, क्योंकि हमने पिछले कई फिर से आप देखिए ना ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है या मैं वही कह रही हूँ, मुझे सारे रोल्स करने हैं, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें काफ़ी सारे जो the men in this film, there are many characters that I want to play those also. So yeah, actors se ki question mat poocho ki ek aisa role sare. Okay, so first of June ko film aayi aapke fans. हाँ जी, please वीरे दी वेडिंग इज रिलीजिंग ऑन 1st of June आपकी नज़दीकी थिएटर में, तो आप प्लीज़ आइएगा आपके सारे वीरों के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ, जस्ट कम एंड हैव फन, इट्स यू गोना लव इट आई होप. या थैंक यू सो मच. ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि फिल्म की जो भाषा है बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है. हम लोग ने ऐसी टाइप की फिल्म लड़कों के तौर से देखा है, दिल चाहता है हो या ज़िंदगी मिलेगी दोबारा हो, आई थिंक वो हमेशा हीरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से था. बट आप अगर इस फिल्म देखें तो आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग फॉर फ्रेंड्स एंड लड़की के ओर के लाइफ के तौर से, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है कि चारों की जिंदगी में क्या होता है, कैसे होता है, एंड फॉर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली आई एंजॉयड रीडिंग इट. तो व्हेन आई एंजॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट सो मच आई फेल्ट एक्साइटेड दैट आई एम श्योर पीपल वुड लाइक टू सी दिस फिल्म ऑन स्क्रीन. ट्रेंड आई थिंक नहीं, ट्रेंड की बात नहीं है, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग. लोगों की सोच में ज़रूर बदलाव एक आएगा, डायरेक्टर्स की सोच में थोड़ा बदलाव आएगा कि नाउ वी कैन एक्चुअली टेल स्टोरीज ऑन फ्रेंडशिप एंड लव फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, आई थिंक anxiousness बढ़ जाती है, responsibility is not, but anxiousness, because we've made a film, we want to see what, how people have reacted, what is the reaction going to be. Yeah, I think that is what we are. I think we are more anxious to know, okay, how are people going to like it, how are other girls going to like the film. Because I think हमेशा हम जब चार लड़कियों को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं यार ये तो chick flick है.
तो लड़के ज़्यादातर देखते नहीं है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फिल्म अगर चिक फ्लिक होगी तो इट विल बी अबाउट क्लोथ्स एंड शूज एंड बैग्स एंड योर, बट ये फिल्म वैसी नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया और रिया ने डिसाइड किया कि वी शुड से दैट दिस इज एक्चुअली नॉट अ चिक फ्लिक बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी है. इट जस्ट हैपन्स कि चार लड़कियाँ हैं इस फिल्म, बट इट कुड बी फॉर बॉयज ऑल्सो. नहीं, आई थिंक दैट जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा जब चिक फ्लिक की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, फिल्म तो कपड़ों की बात होगी, बैग्स होंगे, शूज़ होंगे, हेयर स्टाइल्स होंगे, बट आई थिंक वीरे दी वेडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट. लाइक यू सेड, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव, इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्टोरी. इन फैक्ट इट्स अ स्टोरी ऑफ फोर गर्ल्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव एंड मैरिज, जो हम लोग ने सर्टन इशूज़ कभी एड्रेस नहीं किए हैं. एक लड़की, स्वरा का कैरेक्टर का डिवोर्स हो रहा है, शिखा हैज़ प्रॉब्लम्स इन हर मैरिज, माई कैरेक्टर्स कमिटमेंट फॉर बिग, अवनीज कैरेक्टर विच इज सोनम वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. तो ये जो है, वी एक्चुअली हैव दीज गर्ल्स हु आर देयर इन आर रियल लाइफ, हु इज जस्ट दैट हम लोग उस इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं. I really enjoyed playing Kalindi because मैंने हमेशा heroes के साथ काम किया है. Last film तक Arjun Kapoor के साथ काम किया था and that was just about Arjun and me. But I think in this film it's really nice because it's about like, you know, four different characters. You know, I've never worked with females before, so that's the fun. बिल कालंदी जो है वो कमिटमेंट फोबिक है, मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चा भी हुआ है, तो आई डोंट थिंक आई रिलेट टू इट इन दैट वे. प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट है कि अच्छी फिल्म बनी है, एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है. अल्टीमेटली हम वी आर हियर टू एंटरटेन द ऑडियंस, सो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग है फिल्म. आई थिंक लोगों को पसंद आएगी. ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए यार, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट है ऑफ कोर्स, बट फिल्म बनाई है, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, फिल्म देखो.